नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा अग्रिम विद्यापीठ म्यूजिक एंड डांस एकेडमी और साथ साथ में हमारे साथ मेलोडी मिरेकल्स की सुधा कालरा और सारिका रिदा, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। वो है हसरत जयपुरी स्पेशल, जिसमें हम कुछ चुनिंदा गाने हसरत जयपुरी जी के लिखे हुए गीत आप लोगों के सामने आज हमारे दिल्ली एनसीआर के सिंगर प्रस्तुत करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप अपना प्यार फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक छोटा सा वीडियो हसरत जयपुरी जी के बारे में आप लोगों के सामने। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। भारतीय सिनेमा में मोहब्बत को अपने बोल दिए इस शायर ने, बस कंडक्टरी से शुरुआत की और बन गए ये लेजेंडरी हसरत जयपुरी। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। जन्म 15 अप्रैल सन 1922 में हुआ। हसरत जयपुरी का नाम दरअसल इकबाल हुसैन था और वो जयपुर के रहने वाले थे। कुछ अरसे तक ये अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते रहे और फिर इन्होंने फारसी और उर्दू में तालीम हासिल की। ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। सन 1940 में हसरत जयपुरी ने मुंबई का रुख किया और यहाँ पर रोजी रोटी चलाने के लिए ये बतौर बस कंडक्टर काम करने लगे। इनकी तनख्वाह रही 11 रुपए। मुंबई के BST में बस कंडक्टरी करते करते ये मुशायरों में भी शामिल हो जाते थे। आंखें हैं कि मैखाने के दरवाजे खुले हैं, ये होंठ गुलाबी हैं कि रंगों से धुले हैं। और एक ऐसे ही मुशायरे में महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की नजर हसरत जयपुरी पे पड़ी। ये वो वक्त भी था जब हसरत जयपुरी मिट्टी के खिलौने बेचा करते थे और मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके के फुटपाथ पे रहा करते थे। और वहाँ पर इनके संगी साथियों में से दिहाड़ी मजदूर भी हुआ करते थे और एक मजदूर जो इनका खास दोस्त था, फुटपाथ पे इनके बगल में ही सोया करता था, वो गुजर गया। उसकी मौत हुई और हसरत जयपुरी ने कविता लिखी मजदूर की लाश। ये वही कविता थी जो हसरत जयपुरी ने मुशायरे में पढ़ी और पृथ्वीराज कपूर इतने मुतासिर हुए इनसे कि राज कपूर साहब से कहा कि ये लड़का हसरत जयपुरी बहुत अच्छा शायर है, इससे अपनी फिल्म बरसात में गाने लिखवाओ। यहीं से दोस्ती शुरू हुई महान संगीतकार शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी की। फिल्म का ये गाना जिया बेकरार है बहुत मकबूल हुआ। राज कपूर की टीम के ये चार स्तंभ बने, म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि हसरत जयपुरी जब जयपुर में रहा करते थे तब राधा नाम की एक लड़की से इन्हें इश्क हो गया था और इन्होंने एक शेर लिखा था कि मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना। उस लड़की से तो इनका इश्क परवान ना चढ़ सका, पर बहुत बरसों के बाद फिल्म संगम में इस गाने को इस्तेमाल किया गया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। हसरत जयपुरी आम जिंदगी से बहुत कुछ उठाते रहे, जैसे गाना उन्होंने अपने बेटे अख्तर को देख के लिखा था। जब इनके बेटे का जन्म हुआ तब हसरत साहब ने अपने बच्चे को देख के कहा कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दूर। वहीं पर इस गाने का जन्म भी हुआ। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दूर। हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, ये चारों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया करते थे। जान पहचान हो, जीना आसान हो। और एक बार विदेश में एक डांस शो चल रहा था जहां पर एक महिला ने अपने बदन पे बहुत ही चमकीली चीजें पहनी हुई थी और उसे देखकर जयकिशन साहब के सामने हसरत साहब ने बोला
बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जयकिशन साहब को ये मुखड़ा बहुत पसंद आया और इसे फौरन एक गाने में तब्दील कर दिया गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हसरत जयपुरी सफलताओं के नए नए मकामों पे पहुंच रहे थे और तभी सन 1971 में इन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। इनके बहुत ही खास दोस्त शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन गुजर गए, लिहाजा हसरत जयपुरी का काम जरा कम हो गया। राज कपूर साहब ने भी शंकर जयकिशन की जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम करना शुरू किया फिल्म बॉबी से। वजह थी मेरा नाम जोकर की नाउम्मीदी। बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए और बतौर गीतकार आ गए आनंद बख्शी। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत की ये चौकड़ी पूरी तरह से टूट गयी और तकरीबन एक दशक के बाद राज कपूर ने एक बार फिर हसरत जयपुरी से कहा कि मेरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए गाने लिखो और तब सुन साहिबा सुन ये गाना गूंजा। हम जब हसरत साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करते हैं तो पता चलता है कि इनकी बीवी ने बहुत कुछ संभाला। हसरत जयपुरी बतौर बस कंडक्टर काम करते हुए जब गीतकार बने तब इनकी आमदनी बढ़ी और वो सारे पैसे अपनी बीवी के हवाले कर दिया करते थे। इनकी पत्नी ने मुंबई शहर के अलग अलग कोनों में कुछ प्रॉपर्टी खड़ी की और यही वजह रही हसरत साहब के बुरे दिनों में उस जमीन जायदाद ने इनका बहुत साथ निभाया। हसरत जयपुरी को इनके जीवन काल में ढेर सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। आजा रे लहरा के हसरत जयपुरी उन कलाकारों में से रहे जिनकी जिंदगी अपने आप में एक करिश्मा रही। बस कंडक्टर से शुरुआत की और बन गए एक लेजेंडरी लिरिसिस्ट। भारतीय सिनेमा के इतिहास में महान गीतकार हसरत जयपुरी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये एक बहुत ही खास वीडियो था जिसमें हमने हसरत जयपुरी जी के बारे में बात करी। उन्होंने बताया बहुत ही बेहतरीन गाने लिखे उन्होंने शंकर जयकिशन की जोड़ी के साथ में, और उसके बाद जैसे ही शंकर जयकिशन ने उनका जयकिशन जी का निधन हुआ 1971 में, तो उसके बाद ये जोड़ी टूट गई और फिर अलग अलग गीत बाद में आए राम तेरी गंगा मैली और फिल्म बॉबी। तो चलिए हम कुछ गीत आज उन्हीं के लिखे हुए गीत आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम जो गीत है वो मैं बुलाना चाहूँगा आशीष नैयर जी को। एक बहुत ही प्यारा गीत, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, फिल्म प्यार ही प्यार जो कि 1959 में रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र विजयंती माला प्राण और गायन गीत को था मोहम्मद रफी जी ने और गीत के बोली के शंकर जयकिशन और गीत के बोली के हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन। तो आइए गीत सुनते हैं आशीष नैयर जी के द्वारा, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। नमस्कार, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। ए बहारों की परी
चाहे मुझे वो इनायत है तेरी ए बहारों की परी ये है तकदीर मेरी जो भी समझा है मुझे वो इनायत है तेरी देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार देखा है तेरी आंखों में मेरे अच्छे थे करम जो मुलाकात हुई मेहरबान हुस्न हुआ क्या अजब बात हुई मेरे अच्छे थे करम जो मुलाकात हुई मेहरबान हुस्न हुआ क्या अजब बात हुई देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार देखा है तेरी आंखों में मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू जैसे लहराए सबा वैसे लहराएगी तू मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू जैसे लहराए सबा वैसे लहराएगी तू देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार बहुत बढ़िया आशीष जी यहाँ पर भी सबने तालियां बजा दी है तो बहुत बढ़िया आशीष जी और काफी दिनों बाद आशीष नैयर जी हमारे साथ जुड़े हैं अब हमारे कुछ ऑनलाइन सिंगर्स भी क्योंकि हर एक अपने अपने उसमें बिजी थे लेकिन हमारे सब अब धीरे धीरे प्रोग्राम में सारे आएंगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जैसे हम हमेशा मिक्सर करते हैं नए नए सिंगर्स को चांस देते हैं लेकिन हमारे बहुत ही प्यारे गायक हैं आशीष नैयर जी और हर टाइप का गीत गाते हैं तो चलिए अगला गीत जो है वो हम सावन जी को बुलाते हैं सावन जी गाएंगे गीत हेलो 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 चलिए दोस्तों अगला गीत जो है सावन जी हमारे बीच लेके आ रहे हैं और ये गीत है फिल्म अंदाज़ से 1971 में रिलीज हुई थी और इस गीत को गाया किशोर कुमार जी ने गीत के बोल लिखे हर्ष जयपुरी ने संगीत शंकर जयकिशन का और गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना हेलो हेलो हेलो
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले ओ, उड़ले 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 ओ, उड़ले 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 ओ, उड़ले 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 ओ, उड़ले उड़ले। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। और चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले 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 ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू पर बना कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू पर बना कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले 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 ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। और मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसे बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले। अरे उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले। थैंक यू, बहुत बढ़िया सावन जी। और चलिए दोस्तों, हम अगले गीत के लिए करते हैं। और अगला गीत जो लेके आ रहे हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन गायक हैं, उनका नाम है वेद सचदेवा जी। और सचदेवा जी जो गीत लेके आ रहे हैं, रुख से नहीं, मैं नहीं गाऊंगा, आप उसे सुनिए। रुख से जरा नकाब हटाओ, फिल्म जो है मेरे हुजूर। और गीत की इसका संगीत शंकर जयकिशन का, गीत के बोल हसर जयपुरी के, गाया माया माधुरी जी ने। तो आइए गीत वेद सचदेवा जी के द्वारा। नमस्कार सभी को, मेरी ओर से नमस्कार। Oh.
अपने रुख पर निगाह करने दो, सूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जानी हया, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाबी उठा दो मेरे हथो, रुख से जरा नकाबी उठा दो मेरे हथो, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हथो, वो मरल मरी से हाथ वो महका हुआ बदन, वो मरल मरी से हाथ वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन, मेरे जरा नकाबी हटा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे जमाल, आपका शीशे में देख कर उसको जमाल, आपका शीशे में देख कर मदहोश हो चुका हूँ मैं, जलवों की राह पर गर हो सके तो होश में तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, मिल जाए जैसे चांद कोई सोनी रात में, जाओ बहुत बढ़िया। और चलिए दो मिनट के लिए अंतराल और उसके बाद हमारे अगले गायक आएंगे राजकुमार जी।
चलिए अगला गीत जो है हमारे बीच वो राजकुमार जी लेके आ रहे हैं फिल्म सूरत से, और इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी जी ने, और गीत है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। गीत के बोल के हर्ष जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का। तो आइए आप लोगों के बीच ये गीत बहारो फूल बरसाओ। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं मेरा महबूब
मैं नहीं गाऊंगा दोस्तों, तो चलिए हम आए सारी का रीता से सुनते हैं फिल्म आरजू फिल्म से गायल था मंगेशकर जी ने था म्यूजिक शंकर जयकिशन का और गीत के बोल लिखे हसरत जयपुर ने। आइए सारी का रीता जी के लिए हेलो जी।
बहुत बढ़िया सर। चलिए अगला गीत दोस्तों मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिल्म तेरे घर के सामने जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। संगीत सचिन देव बर्मन जी का, गीत के बोल लिखे हर्षद जयपुरी ने और इस गीत को गाया मोहम्मद रफी जी ने था और गीत का बोल दिल का भंवर करे बाबा। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे ओ। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे ओ। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकरी आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे ओ। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे ओ। चाहे तुम मिटाना पर ना तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे ओ। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे ओ। इस हसी उतार पे हम ना बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे ओ। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे ओ। आपका ये आंचल, प्यार का ये बादल, फिर हमें जमीन पे ले चला। अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता तुम मेरे साथी यारे, प्यार का राग सुनो रे ओ। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे ओ।
यू धन्यवाद दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। और आज के हमारे जो प्रोग्राम के मैं सहयोगक हैं उनका नाम लेना चाहूंगा, नवरत्न फाउंडेशन ट्राई ग्रुप ऑफ म्यूजिक जिंदगी का, हारमोनी वेव्स, काना प्रोडक्शंस, अग्रिम प्रॉपर्ट और हमारे इवेंट्स ऑफ म्यूजिक .com। तो आप लोगों के बीच हमारा अगला जो गीत है वो एक बहुत ही तड़कता भड़कता गीत प्रिंस फिल्म से 1969 में रिलीज हुआ था और इस गीत ने तहलका मचा दिया था। मोहम्मद रफी जी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत और गीत के बोल लिखे हसन जयपुरी जी ने और पिक्चराइज इस गीत को किया था शम्मी कपूर और वैजयंती माला। हाँ दोस्तों, शायद आपको एक गीत याद आ गया होगा। जी हाँ, बदन पे सितारे लपेटे हुए। आप लोगों के बीच राजीव जी ही आप लोगों के बीच गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनके द्वारा। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। भला कह गया या बुरा कह गया, बदन
बहुत बढ़िया राजीव जी। और चलिए दोस्तों अब हम अगले गीत की तरफ चलते हैं। और अगला गीत जो है दोस्तों अब हमारे बीच को लेके आ रही है हमारी हमारी मेलोडी ब्रेकर्स की फाउंडर सुधा कालरा जी। और गीत लेके आ रही है फिल्म झुक के आसमान से 1968 में पिक्चर रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में ये गीत गाया था लता मंगेशकर जी ने, म्यूजिक शंकर जयकिशन का, गीत के बोल लिखे हंसा जयपुरी ने। और गीत गा रही है हमारे बीच सुधा कालरा जी जो है गीत उनसे मेरी नजर के मेरे होश उड़ गए। तो आइए गीत आप लोगों के सामने।
बहुत बढ़िया सुधा जी। हेलो 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 हेलो। चलिए दोस्तों हम अगले हेलो 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 हेलो। चलिए हम अगले गीत की तरफ चलते हैं। सावन जी गीत लेके आ रहे हैं, मोहम्मद रफी जी का गाया हुआ गीत, दिल के झरोखे में तुझको छुपा पा, और गाया मोहम्मद रफी जी ने, और शंकर जयकिशन का संगीत, और गीत के बोल लिखे हर्षद जयपुरी, फिल्म ब्रह्मचारी से गीत। हेलो 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 हेलो, इसका इको कम है। हेलो 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 हेलो, थोड़ा कम। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। हेलो 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 हेलो, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मतो मेरी जाऊदार। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मतो मेरी जाऊदार। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी, फूलों की टोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी, फूलों की टोली में होगी तू रुखसत, लेकिन दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मतो मेरी जाऊदा। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साकी बने हैं, अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं, अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साकी बने हैं, अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मतो मेरी जाऊदा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे न शिकवा करूंगा, आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूज
पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई दुख दे न शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मतो मेरी जाऊंगा। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मतो मेरी जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सावन जी। चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत जो लेके आ रही है सारिका जी, लेके आ रही है हमारे बीच। बहुत ही प्यारा गीत है ये, राम तेरी गंगा मैली से। हेलो, नहीं आरजू फिल्म से, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने, संगीत शंकर जयकिशन का और गीत के बोल लिखे हर्षद जयपुरी ने। दोस्तों सारी माफी चाहूंगा कि मैंने गलत गीत बोल दिया, तो ये गीत बेदर्दी बालमा तुझसे मेरा मन याद करता है। आइए सारिका जी के द्वारा सुनते हैं। Thank you.
बहुत बढ़िया सारिका जी। चलिए हम अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत जो है हमारे बीच लेके आ रहे हैं राजकुमार जी, नहीं वेद सत्यदेवा जी, वेद सत्यदेवा जी। और ये गीत है फिल्म मेरा नाम जोकर से, जाने कहाँ गए वो दिन। इस गीत के बोल लिखे हसन जयपुरी जी और म्यूजिक संगीत जो दिया शंकर जयकिशन जी और गाया मुकेश जी। दिन भी अंधेरी रात
गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिठाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुम बहुत बढ़िया भाई जी। चलिए दोस्तों हम अगले गीत पर चलते हैं और अगला गीत जो लेके आ रहे हैं राजीव जी दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई फिल्म तीसरी कसम से और इस गीत को गाया मुकेश जी ने और गीत के बोल लिखे शैलेंद्र जी ने। गीत शंकर जयकिशन का गीत के बोल लिखे हसरत जयपुर जी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बना काहे बनाए तूने माटी के पुतले धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले काहे बनाया तूने दुनिया का खेला काहे बनाया तूने दुनिया का खेला जिसमें लगाया जवानी का मेला गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर तू पाए प्यार का मन में छुपाकर कोई
छवि तो तेरी आंखों में होगी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोली क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बना, प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया तूने, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना, काहे को दुनिया बनाई। थैंक यू, बहुत बढ़िया राजीव जी। और आज के हमारे दो गीत हो रहे दोस्तों, और चलिए अभी हम राजकुमार जी को सुनते हैं, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, और फिल्म आवारा से, और इस गीत को गाया था मुकेश जी ने, संगीत शंकर जयकिशन का, और गीत के बोल लिखे हजरत जयपुरी ने। तो आइए राजकुमार जी के द्वारा ये गीत सुनते हैं। दर्द उठा कर रहा
बहुत बढ़िया राजकुमार जी। अपनी जो लीग में जैसे गाते हैं और उसके हिसाब से चलिए एक गीत बहुत ही प्यारा गीत है आपके बीच मैं आज फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूं तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अगर कुछ भूल चुको तो माफ कर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम का आज अंतिम गीत एक एक क्योंकि इस गीत का बहुत ही ज्यादा रोल है जो हर्षद जयपुर जी के जो उन्होंने गीत लिखा था एहसान तेरा होगा मुझ पर फिल्म जंगली से और इस गीत को गाया मोहम्मद रफी जी ने था गीत के बोली हर्षद जयपुरी ने तो आइए आप लोगों के बीच ये गीत एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर तुमने मुझको हंसना सिखाया तुमने मुझको हंसना सिखाया रोने कहोगे रोलेंगे अब रोने कहोगे रोलेंगे आंसू का हमारे गम करो वो बहते हैं तो बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर चाहे बना दो चाहे मिटा दो चाहे बना दो चाहे मिटा दो मर भी गए तो देंगे दुआएं मर भी गए तो देंगे दुआएं उड़ उड़ के कहे सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये गाया हुआ गीत पसंद आया होगा। आज पहली बार मैंने मोहम्मद रफी का ये बहुत ही क्लासिकल गीत आप लोगों के सामने गाया है और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज के हमारा प्रोग्राम की समाप्ति यहीं पर हो रही है। मेलोडी मिरेकल्स
और अग्रिम विद्यापीठ म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के सौजन्य से आप लोगों के बीच आज ये था हर्षद जयपुरी स्पेशल, जिसमें हमारे जो अग्रिम विद्यापीठ म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के फाउंडर मैं मोहित शर्मा और मेलेडी मिरेकल्स की फाउंडर सुधा कालरा जी और को फाउंडर सारिका रीदा जी आप लोगों के बीच आज हमने परफॉर्म भी किया। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं नवरत्न फाउंडेशन, स्पर्श शास्त्री का ट्राई ग्रुप ऑफ म्यूजिक, हारमोनी वेव्स, डीएमएस आरोही और इवेंट्स एंड म्यूजिक डॉट कॉम, खाना प्रोडक्शंस और अग्रिम प्रॉप मार्ट और स्पर्श शास्त्री। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दोस्तों हम ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि नए सिंगर्स को हम आगे बढ़ाएं और उनको हम प्लेटफॉर्म पर लेके आएं और इसकी यही खोज हमारी हमेशा रहती है और रहेगी। और हम ऑनलाइन के जरिए आपके सामने जैसे हम अपने यूट्यूब चैनल पर आते हैं और कोशिश करते हैं कि अभी हम ऑनलाइन में और भी जितने भी हमारे सिंगर्स हैं जो देश विदेश के हैं वो भी वापस हमारे साथ हम उनको और लेके आएंगे नए नए सिंगर्स को, चाहे वो मुंबई से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे हमारे साउथ से हो। इस बार कुछ साउथ के नए सिंगर्स मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, बहुत ही अलग क्लासिकल सिंगिंग जिनकी गायकी वैसे साउथ इंडियन क्लासिकल में बहुत ज़्यादा है लेकिन वो बॉलीवुड के सॉन्ग बहुत ही बेहतरीन गाते हैं। तो अपने दशहरे के बाद हम लोग आप लोगों के बीच फिर उस सीजन को लेके आएंगे और जो सीजन होगा जोड़ी नंबर वन एक नई थीम, इसमें हम अब इसके बारे में आप लोगों को पता चलता रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों मैं सभी सिंगर्स का धन्यवाद करता हूँ जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, हमारे जो पहले तो फाउंडर सारिका सुधा कालरा जी और को फाउंडर सारिका रिदा, फिर हमारे वेद सचदेवा जी, सावन कुमार जी, राजीव जी, राजकुमार जी और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं सभी का धन्यवाद। और जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं आशीष नैयर जी, मैं उनका नाम देना भूल गया था, आशीष नैयर जी जो कि मतलब गुड़गांव से जुड़े और हमारे पूरी टीम जो आप लोगों के सामने प्रोग्राम करती है, शायद वॉइस क्लियर नहीं आई है, सारी सुधा कालरा जी कुछ कहना चाह रही हैं।